Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel, My Parsala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए क्लास थर्ड हिंदी पैरोडिक टेस्ट फर्स्ट के रिवीजन क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है गधांश। निम्नलिखित अपठित गधांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। नदी के किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ पर बंदर रहता था। उसी पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला भी था। एक दिन बहुत जोर से बारिश आई, बंदर तो पूरा भीगा और ठंड से कांपने लगा। चिड़िया अपने घोंसले में आराम से बैठी रही, वह जरा भी नहीं भीगी। बारिश रुकने पर चिड़िया ने बंदर को सलाह दी, बंदर भैया आप भी अपना एक घर बना लीजिए, फिर इस तरह आपको बारिश में नहीं भीगना पड़ेगा। अब यह गधांश पढ़ने के बाद इसी में से हम क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। नंबर फोर, चिड़िया का घोंसला कहाँ था? देखिए, उसी पेड़ पर चिड़िया का एक घोंसला भी था। क्या हो रहा है? पेड़ पर। कहाँ पे है? पेड़ पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन थ्री, पेड़ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, बारिश में कौन भीगा? देखिए, एक दिन बहुत जोर से बारिश आई, अब बंदर तो पूरा भीग गया, तो कौन भीगा? बंदर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन टू, बंदर। नेक्स्ट, चिड़िया ने बंदर को क्या सलाह दी? चिड़िया ने क्या बोली? देखो, चिड़िया ने बंदर को सलाह दी। क्या सलाह दी? बंदर भैया आप भी अपना एक घर बना लीजिए। क्या सलाह दी? बंदर भैया आप भी अपना एक घर बना लीजिए। तो आंसर क्या हो गया? अपना घर बनाने की सलाह दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदर को चिड़िया ने क्या कहा? बंदर भैया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ही, बंदर भैया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी, क्लास थर्ड पैरेडिक टेस्ट फर्स्ट के रिवीजन क्वेश्चंस के अंतर्गत मैंने इंग्लिश, ईवीएस और कंप्यूटर पेपर के भी रिवीजन क्वेश्चन डाले हैं। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसके लिंक डाल दूंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। ये प्रश्न जो है हमारे पाठ्य पुस्तक से किया गया है, जो पाठ्य पुस्तक आप स्कूल में पढ़ते हैं उससे है। कोयल की बोली कैसी होती है? तो कोयल की बोली मीठी होती है। आंसर क्या हो गया? कोयल की बोली मीठी होती है। नंबर फोर, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि उसके पास एक ही झाड़ू थी। मन करता है कविता में मन कोयल बनकर क्या करेगा? उत्तर हो जाता है, मन कोयल बनके मीठी बोली बोलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। लिंग, विलोम, पर्यायवाची से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से मैं पांच पांच यहाँ पर आपको व्याकरण की बुक से बता रही हूँ, जिसमें आप मात्राओं का ध्यान रखेंगे। हिरण, हिरनी, चूहा, चूहिया, हाथी, हथिनी, छात्र, छात्रा, दादाजी, दादी, ये इस तरह इसके आंसर हो जाते हैं। एक तरफ का आपको दिया रहेगा, दूसरे तरफ का आपको लिखना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम विलोम शब्द देख लेते हैं। अंधकार का प्रकाश कम, अधिक, मोटा, पतला, अमीर, गरीब और दाएं बाएं। बहुवचन में वही चीज हो जाती है, चूहा चूही। इसमें मात्राओं का आप ध्यान रखें, चूहा चूहे, रात रातें, यानी एक से ज्यादा जो हो जाता है बहुवचन। एक वचन एक चीज हो जाती है और एक से ज्यादा जब हो गया तो बहुत सारे, यानी किताब एक किताब, किताबें यानी बहुत सारी किताबें, एक से ज्यादा किताबें, जिसमें दो किताबें भी हो सकती है, तीन किताबें भी हो सकती है, दस किताबें भी हो सकती है। बहन बहने, आंख आंखी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, गलत पर्यायवाची शब्द पर क्रॉस का निशान लगाना है। इसमें से इसके तीन ऑप्शन है जो एक गलत है, जिसको हम हाईलाइट करेंगे। नंबर को आग का हो जाता अग्नि, राकेश पावर। तो यहाँ पर राकेश जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे। हो रात, रात का हो जाता रात्रि, निशा अनल, अनल जो है अलग है, तो इसको हम गलत कर देंगे। नेक्स्ट नंबर को चिड़िया, विहग, हग, राशि, इसके अंतर्गत राशि जो चिड़िया का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का पवन, जलज, सरोज, कमल का पवन, जलज,
सरोज, तो ये हो जाता है पवन। एंड लास्ट आंख, आंख का हो जाता है नेत्र, दिनकर और लोचन। यहाँ दिनकर जो है अलग है, वो नेत्र का नहीं होता है, दिनकर हमारा सूरज का होता है। तो ये आपका गलत हो गया है एंड इसको अलग मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम आसमान में क्या देखते हो, उसके चित्र बनाओ और रंग भरो। बच्चों आप आकाश में क्या देखते हैं, चांद, तारे, बादल, इंद्रधनुष, ये सारी चीजें आप देखते हैं जिसको आप अपनी ड्राइंग में बनाएंगे और उसको रंग भरेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। साथ अलग पेपर्स के भी मैं प्रीवियम पोर्शन लेकर आती रहती हूँ। साथ ही आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी, ओलंपियाड एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड भी हमारे वीडियो पर आपको प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज एंड क्लास वाइज आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।